वेलकम टू स्कूल लीडरशिप एकेडमी SCERT JKE. वी आर प्रिविलेज्ड टुडे वी हैव अनदर गेस्ट हियर एंड ही इज नोन इन द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड विल बी डिस्कसिंग PSLM मॉड्यूल 8 कंसोलिडेशन एंड ड्रॉइंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान स्कूल के तरक्याती मंसूबे की तैयारी और तकमील. तो हम आपका खुश आमदीद करते हैं सर. तो ये जो PSLM मॉड्यूल है स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम का, तो स्कूल या स्कूल के या स्कूल का तरक्याती मंसूबा क्या है एक्चुअली? शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और चंद मिनट यहाँ पर आपके साथ बात करने का जो मौका मिलेगा, और इस वसादत से मुझे बात करने का मौका जो है वो बहुत सारे स्कूल सरबराहान के साथ भी मयसर हुआ है, इसके लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया. ये स्कूल का तरक्याती मंसूबा जो है, बुनियादी तौर पर हर स्कूल जो है हमारे पास एक विजन होता है स्कूल को डेवलप करने का, और उस विजन की जो तैयारी है और उसकी जो तकमील है, कैसे स्कूल को बढ़ाया जाए, उसकी तरक्की के जो मुख्तलिफ मनाजिल हैं, उसकी तरक्की के जो मुख्तलिफ अहदाफ है, और उसको तरक्की देने के जो मुख्तलिफ मकासद हैं, उनको किस तरह से पहले सेट किया जाए और उसके बाद उनको किस तरह से हासिल किया जाए. बुनियादी तौर पर स्कूल की तरक्की की मनसूबाबंदी का जो प्लान है या प्रोग्राम है वो यही है, और मॉड्यूल 8 जो है वो इसी को दर्शाता है और इसी की ओर हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है. हाँ सर, आपने स्कूल का जो तरक्याती मनसूबा है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने इसका बिल्कुल आई विल से द डेफिनेशन आपने अच्छी दी, लेकिन इसमें किस किस को साथ लेकर चला जा सकता है अगर हम स्कूल तरक्याती मनसूबा ले? देखिए, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के हवाले से जो दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट है स्कूल डेवलपमेंट के हवाले से या स्कूल लीडरशिप के हवाले से, जो हमारे स्कूल लीडर्स है उनको ये बात मान के चलनी चाहिए कि वो ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट जो है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप जो है वो स्कूल में नहीं होना चाहिए. स्कूल के जो हमारे कायद हैं, स्कूल के जो हमारे सरबराह हैं, उनके अंदर कायदाना सलाहियतें जो हैं वो पैदा करने के लिए या उनकी सलाहियत साजी के लिए ये मॉड्यूल तैयार किया गया है, ये कोर्स तैयार किया गया है, और इस कोर्स के ज़रिए से उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे या की जाएगी कि वो अपनी कायदाना सलाहियतों में कैसे निखार लाएं, और फिर वो जो सरबराहाना उनकी सलाहियतें हैं वो उनको सही समय में कैसे इस्तेमाल किया जाए. तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि एजुकेशन में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सबसे पहले आपके तलबा का, उसके बाद आपकी कम्युनिटी का, कम्युनिटी में आपके बच्चों के पेरेंट्स आ जाते हैं, फिर आपके स्कूल में जो लोग काम करते हैं वो वहाँ पर काम करने वाले लोग जो उनकी नौीयतें मुख्तलिफ होती हैं, उनके ओहदे मुख्तलिफ होते हैं. कोई स्कूल में जो हमारे स्कूल के कमरों की या हमारे स्कूल की सफाई करता है, या हमारे स्कूल का लॉन जो कोई एक बंदा मेंटेन करता है, या हमारे बच्चों को जो पढ़ाता है, वो इक्वली सब इम्पॉर्टेंट हैं. वो सब लोग मुझे लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. अब जब आप स्कूल की मनसूबाबंदी करें, स्कूल की तरक्की की मनसूबाबंदी करें, तो इनके लिए ज़रूरी है कि आप ये करके चलें कि उन सब को, उन सब स्टेक होल्डर्स को, वो सारे मुतल्लिकीन जो हैं उन सब को आपको साथ लेके चलना होगा. जैसे आपको ये नहीं समझना है कि स्कूल में आपके दो तीन लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आपको जो भी मनसूबाबंदी करनी है, आपको जो भी काम करना है, उन्हीं दो तीन लोगों को साथ लेके चलेंगे. जैसे मैं अगर अपने स्कूल में हूँ और मेरी स्कूल का सरबराह जो है मेरे साथ उनके अच्छे रवाबित हैं, हमारी केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनती है, और वो जो कोई भी काम करे और मुझे पूछे बगैर या सिर्फ मुझसे पूछ के करें, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप सबको साथ, सबके साथ जो सबका विकास का नारा है वो शायद पूरा नहीं होगा, और स्कूल का डेवलपमेंट जो है वो भी उस तरह से पूरा नहीं हो जाएगा. इसलिए ज़रूरी है कि आपके स्कूल में जितने भी लोग काम करते हैं उनको साथ लेके चलना है. आपके स्कूल के चपरासी से लेकर आपके स्कूल के चौकीदार से लेकर आपके स्कूल के वाइस प्रिंसिपल तक जितने भी लोग हैं उन सबको आपने कॉन्फिडेंस में लेना है, और स्कूल की मनसूबाबंदी में उन सबको साथ लेके चलना है. इस तरह से फिर कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कम्युनिटी, समाज के जो मुख्तलिफ तबकात है, तबका है फिक्र है, तबका है जिंदगी है, उनको अगर आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, उनका एतमाद अगर आप हासिल नहीं कर पाते हैं, तो आप तब भी स्कूल को इम्प्रूव नहीं कर सकते. इसी तरह से स्कूल
की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि वालिदैन जो हैं, जो तलबा आपके स्कूल में पढ़ते हैं, उनके वालिदैन को भी साथ लिया जाए, उनके वालिदैन को भी आपने कॉन्फिडेंस में लेना है, तब जाके आप स्कूल के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही साजगार मनसूबाबंदी कर सकते हैं। तो यही लोग हैं, यही मुतल्लिकीन हैं जो स्कूल की मनसूबाबंदी में आपके साथ होने चाहिए। सर बहुत अच्छा आपने ये कहा कि तरक्याती जो मंसूबा है और किस किस को साथ लिया जा सकता है, इसमें बड़े अच्छे से आपने बयान किया। लेकिन एक मसला यहाँ पे है कि तरक्याती मंसूबा के लिए हम समझते हैं कि एक विजन की ज़रूरत होती है हमेशा, तो इसमें जो विजन की क्या अहमियत हो सकती है, हो सकती भी है अहमियत तो कैसे हो सकती है इसमें विजन की अहमियत? देखिए मैं आपको हामिद भाई एक बात बताना चाहूँगा कि हम जो भी काम करते हैं तो हम हर काम में हमारा एक विजन होता है, हमारा एक नज़रिया होता है, और विजन जो है वो बुनियादी तौर पर नज़रिए से एक बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं इमीडिएटली इसके लिए उर्दू में शायद कोई वर्ड नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। और विजन के हवाले से मैं ये बता दूँ कि जब तक ना आपके पास मुस्तकबल के लिए एक मुस्बत नज़रिया हो, मुस्तकबल के लिए एक मुस्बत सोच हो, मुस्तकबल के लिए एक मुस्बत फिक्र हो कि आप किन लाइन्स पर अपने स्कूल को उस्तवार करना चाहते हैं, आप कहाँ तक अपने स्कूल को, अपने इदारे को एक सरबरा की हैसियत से पहुंचाना चाहते हैं, मुस्तकबल में आपके अहदाफ क्या है, मुस्तकबल में आपके मकासिद क्या है, मुस्तकबल में आपका हदफ क्या है, मुस्तकबल में आपने जो मुकाम का तायुन किया है वहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन सी हिकमत अमली की जरूरत पड़ेगी, वहां तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी, तो ये सब चीजें जो है यही बेसिकली हमारा विजन कहलाता है। और ये विजन जो है बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि विजन के बगैर शायद ही कोई चीज चल सकेगी। अगर आपको अपना घर चलाने के लिए आपके पास कोई विजन ना हो, आपकी अपनी जाती जिंदगी चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में कोई विजन ना हो, इसी तरह से अगर किसी सरबरा के पास मुल्क को चलाने के लिए विजन ना हो, किसी स्टेट के हेड के पास स्टेट को चलाने का विजन ना हो, मुझे लगता है कि फिर कोई भी चीज नहीं चल सकेगी। और जहां तक स्कूल का ताल्लुक है, कम्युनिटीज जो है, हमारा समाज जो है, हमारा कल जो है, हमारा मुस्तकबल जो है, हमारा फ्यूचर जो है, वो इन्हीं स्कूलों में पनपता है। और विजन जो है इसमें यह भी जरूरी है कि जो आपके कंटेम्प्रेरी हालात है, जो आपके कंटेम्प्रेरी इश्यूज है, जो आपके कंटेम्प्रेरी न्यूएंसेस है, जो आपके कंटेम्प्रेरी पॉजिटिव्स है, जो आपके कंटेम्प्रेरी नेगेटिव्स है, उन सब पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, उन सब पर आपका नजर होना चाहिए। जब आप उन सब पर नजर रखेंगे, उन सब चीजों का आपके जहन में एक नक्शा होगा, तब जाके आप एक विजनरी होंगे और एक मुस्तकबल, अच्छे मुस्तकबल और ताबदार मुस्तकबल की ओर आप अपने स्कूल को ले जा सकते हैं। तो इस मामले में यह भी जरूरी है कि जैसे आज के दौर की अगर हम बात करेंगे, ये दौर अब टेक्नोलॉजी का दौर है। आज अगर हम किसी स्कूल में जाएंगे और वहां पर हमारे स्कूल का सरबरा जो है, वहां पर कोई HOI है, वो ये सोचता है कि मैं आने वाले दिनों में, आने वाले एक साल में अपने स्कूल में एक कंप्यूटर लैब एस्टेब्लिश करूंगा, तो मैं ये समझूंगा कि शायद उनके पास बड़ा विजन नहीं है, क्योंकि अब कंप्यूटर लैब की शायद उतनी जरूरत नहीं है जितनी कि स्मार्ट लैब्स की जरूरत है। अगर स्मार्ट लैब का उसका विजन है और वो ये कहेगा कि मैं आने वाले एक साल में यहाँ पर एक स्मार्ट लैब स्कूल में एस्टैब्लिश करूंगा, तो लगेगा कि ये विजनरी HOI है, विजनरी सरबरा है। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आज जो चीज आज इंपॉर्टेंट है, शायद वो चीज कल इंपॉर्टेंट नहीं होगी, जिस चीज का आज चलन होगा शायद उस चीज का कल चलन नहीं होगा। तो इसलिए यही जरूरी है कि आपका विजन क्या है, आपने क्या सोच रखी हुई है, आपने क्या फिक्र रखी हुई है कि आने वाले 10 सालों में, 2 सालों में, 5 सालों में आप अपने इदारे को कहां तक ले जाएंगे, इसी को हम विजन कहते हैं। सब बहुत बड़े अच्छे से आपने बयान किया कि विजन की अहमियत है क्या। लेकिन एक मसला है कि जब हम तरक्याती मंसूबा की बात करते हैं तो इसमें एक तैयारी होनी चाहिए, इसमें कितने मराहिल होने चाहिए, तो कैसे हो सकता है, क्या क्या मराहिल हो सकते हैं इसमें, जब तरक्याती मंसूबा हम इसकी इसका जब हम इसकी जब तैयारी हम बात करके तैयारी की, तो क्या क्या हो सकता है इसमें? हाँ भाई देखिए, जब हम स्कूल की मंसूबाबंदी करेंगे तो इसके मुख्तलिफ मराहिल होंगे। सबसे पहला मरहला तो यही है कि विजन क्या है, आप अपने विजन का तायुन करना, और फिर इसके बाद अगला मरहला जो आएगा कि आप वो विजन जो है आप उसकी तकमील कैसे करेंगे, आप उसको उसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये दूसरी चीज़ है कि आप उस विजन को हासिल करने की तैयारी कैसे करेंगे। फिर इसका तीसरा मरहला जो है कि वो ये कि तकमील कैसे होगी, हाउ दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड, एंड देन आफ्टर हाउ वो विजन जो है उसको कैसे कंसोलिडेट किया जाएगा, उसकी कंसोलिडेशन कैसी होगी, और फिर आखिरी मरहला जो है वो मेरी नज़र में है वो उसको एसेस करने का कि आपने जो गोल्स सेट किए थे अपने विजन के लिए जब आप उसकी ड्राइंग कर रहे थे और फिर उसका कंसोलिडेशन हुआ, तो क्या
फिर उसका जो असेसमेंट आप करेंगे, उसकी जो जांच आप करेंगे, उस जांच के बाद इवेल्युएशन करेंगे, तायुन कदर करेंगे कि क्या वो सब चीज़ें आपको हासिल हुई जो आप इस तरक्याती मंसूबे से हासिल करना चाहते थे या नहीं हुई। यही इसके मुख्तलिफ मराहिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ जो मेहमान थे शाकिर शफी साहब थे और माहिर तालीबियात, आई वुड से दैट ही इज़ नोन टू द पीपल एंड ही इज़ अ वेरी गुड पोएट एंड राइटर एंड ट्रांसलेटर एज वेल, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन एंड ड्रॉइंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान। So we hope that we have a new guest for new module, and this module was I think we don't have any confusion. Thank you, sir. It was nice to talk to you about this module. Thank you.